सही आज हम आगे निकल जाएंगे ओके ठीक है मैं देख रहा हूँ बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हुई है और कोई स्ट्रेंज बात नहीं ऐसे ही होता है आप में से भी बहुत कम बचेंगे जो शायद एंड तक इस चीज़ को पूरी तरह फुलफिल करेंगे लेकिन जो करेंगे वो इनशाला बेनिफिट लेंगे से ठीक है हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे मैं स्टार्ट करता हूँ मैं ना अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने लगाऊँ तो जब होगी तो आपने तब एड्रेस करना ओके स्क्रीन शेयर हो गई ओके मुझे ना आज कल इमरजेंसी थी मैंने इसलिए टाइम पर मैं, मैं नेक्स्ट टाइम से एडजस्ट कर दूंगा आप लोगों को मैं किसी और टाइम दखवा लिया करूंगा इनशाला ऑपरेटर

हमने बेसिक चीजों को देखा हमने देखा कि कंडीशंस कैसे लगाते हैं अभी तक हम सीधा सीधा कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे फिर हमने ये देखा कि एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर हम एक कोड चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाना है तो उस मामले में हमने कल एक लेक्चर लिया था आज हम इफ स्टेटमेंट्स और कंडीशन को ही मजीद आगे चलते हुए ना स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे वो क्या है वो एक और तरीका है जिससे आप एक सिंपलीफाइड कोड लिख सकते हैं अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट बहुत सी चीजें इसलिए भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी जो चीजों को सिम्पलीफाई और ईजी करते हैं। इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके लेवल से थोड़ी सी हाई है लेकिन आप जब अगर आपको ये बात याद रह जाए तो आपके बाद में जाके समझ आएगी जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना उसमें एरो फंक्शंस आते हैं तो वो एरो फंक्शन सिंपल फंक्शन भी लिखा जा सकता है तो सवाल ये पैदा होता है वो क्यों बनाए थे वो कोड सिंप्लिसिटी के लिए बनाए गए थे कोड सिप्लिसिटी को दिमाग में रखते हुए आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि स्विच स्टेटमेंट है तो हर बार की तरह हम फिर एक स्टडी बनाते हैं एक नाइव सी और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट इसे करने में कैसे हेल्प करती है ठीक है अब मैं कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ अपना और इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं क्योंकि वी एस कोड अगर आप में से कोई यूज करा ना वो बहुत तंग करते हैं बीच में ओके चल रहे के स्टडी क्या मैं लिख देता तो यहाँ पे इमेजिन करें कि हमने चलें उतनी देर तक मैं चैट में आता हूँ अच्छा इमेजिन करें कि हमने एक रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट uh, भी नहीं एक प्रोजेक्ट बनाया उस <coughs> प्रोजेक्ट के अंदर हमने मल्टीपल टास्क करने है। एक है कर हैं एक टास्क क्या है कि हम कस्टमर को ऐड करें एक टास्क क्या है कि कस्टमर को ऐड भी करना कोई वैसे रीजनेबल टास्क तो नहीं है हम चलें हॉस्पिटल के एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इट्स मोर फेमिलियर टू मी पर्सनली तो उसमें क्या पेशेंट को ऐड कर रहे हैं पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं uh, पेशेंट ऐड हो गया आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा पेशेंट को सर्च करें ठीक है अभी तक के लिए सिर्फ ये तीन फंक्शनलिटीज को इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट समझना है हॉस्पिटल के सिस्टम को नहीं समझना ठीक है तो हम अपना काम लिख लेते हैं क्या काम है एक है एड अ पेशेंट दूसरा क्या है डिस्चार्ज पेशेंट और तीसरा क्या है सर्च पेशेंट ठीक है मैं ये सिस्टम बनाने बैठ जाता हूं और मैं कहता हूं कि भाई ऐसा होगा कि एक वेरिएबल होगा जिसका नाम मैं रखूंगा चॉइस चलो और मैं अब चॉइस के अंदर क्या ले लूंगा इनपुट ये यूजर देगा चलो अब होगा क्या कि मैं चाहता हूं कि अगर यूजर वन प्रेस करे तो फिर पेशेंट ऐड हो यूजर टू प्रेस करे तो पेशेंट क्या हो डिस्चार्ज हो यूजर थ्री प्रेस करे तो पेशेंट क्या हो सर्च हो अब इसको ना मैं इफ एल इफ के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ लेकिन उसमें मसला पता ही क्या है उसमें मसला यह है कि वो बड़ा मैसी सा कोड बन जाएगा इफ चॉइस इज इक्वल टू दिस तो फिर ये हो जाए इफ इक्वल टू दिस तो ये हो जाए और फिर एल इफ एल इफ करके लिखता जाऊं ठीक है तो अब आपको इफ एल इफ का पता है आपको पता ही उससे कैसे इम्प्लीमेंट होगा तो अब हम इफ एल इफ से नहीं इसे बनाने वाले हम इसे बनाने लगे हैं स्विच स्टेटमेंट से स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है ये सुन लें गौर से फिर हम उसको लिख के देख लेते हैं

अब यहां पे मैं लिख देता हूं कि यहां पे बेसिकली आपने क्या लिखना है वो वेरिएबल लिखना है फिर आपने डालना कर्ली ब्रेसेस ओके okay. अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने पता क्या करना आपने है अपने वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर केस बनाने हैं अब देखिए मेरी वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं वन है टू है, है और थ्री है तो एक आएगा केस केस के आगे क्या लिखना है वेरिएबल की वैल्यू तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है वन आगे डालना कॉलन फिर कुछ टास्क परफॉर्म होंगे और उन टू केस थ्री अब एक पैदा होता है के ऊपर डिस्चार्ज हो रहा है थ्री के ऊपर सर्च हो रहा है अगर यूजर फोर एंटर कर दे जीरो एंटर कर दे तो इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिफॉल्ट केस होता है वो कैसे लिखते हैं वो भी हम सारा देख लेते हैं चलें अब हम एक्चुअली में स्विच स्टेटमेंट को ना लिख के देखते हैं ठीक है समझ लग गई करना क्या है तो सबसे पहले क्या करना हमने लिखना स्विच उसके बाद क्या लिखना वो वेरिएबल लिखना है जिसकी वैल्यू के ऊपर डिसीजन लेना है स्विच तो नाम चॉइस नाम है का। फिर डालना करली ब्रेसेस अब वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या है यहां पे मैंने लिख दी हुई है वन है फुल स्क्रीन शो तो नहीं हो रही अच्छा वो प्रेजेंट हो रही है हम आदि पिन कर दो आप मैं कर आप पिन कर दें चलो मैं उतनी देर के लिए रुक जाता हूँ जब तक तो शो नहीं हो रही आप लोग भी वैसे पर्सनली अगर आपको इशू आ रहा हो ना तो आप अपने ही जो यूज कर रहे होते हैं ना गूगल मीट आप मेरी स्क्रीन के ऊपर अगर होल्ड करोगे तो पिन करने का ऑप्शन आ जाता है बल्कि टैप भी करोगे तो आ जाएगा तो आप पिन कर सकते हो सारे ठीक है मैं आप सबको कुछ सेकंड्स दे देता दे uh, जी -जी, हूँ दे। okay. आप सब पिन कर लें और फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ ठीक है ठीक है आप अभी इस लेक्चर की टेंशन लें हम अगले पिछले लेक्चर का भी नोट्स मैं आपको बता दूंगा कोड भी भेज दूंगा ओके okay. अगर सब ने पिन कर लिया तो हम स्टार्ट कर देते हैं सर जो अभी बोले वो रिपीट भी है, मैं कर देखता हूँ okay. अच्छा अब हम इस एग्जाम्पल को ना लिख के देखेंगे मैंने बताया कि सबसे पहले आपने स्विच लिखना है उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी जिसकी चॉइस वैल्यूज के ऊपर आपने केसेस बनाने हैं ठीक है तो वेरिएबल का नाम क्या है वेरिएबल <coughs> का नाम है चॉइस ठीक है अब चॉइस की पॉसिबल वैल्यूज देख लो कौन कौन सी आनी है पहले इस एग्जाम्पल को पूरा कर लेते हैं या तो थ्री आ सकती है या तो टू आ सकती है या तो वन आ सकती है तो तीन केसेस लिख लेते हैं केस वन उसके बाद कॉलन अच्छा केस वन पे मैं क्या करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं लेट से कहता हूँ कि प्रिंट एफ कर दो बस सिंपल सा के पेशेंट एडिट इसके अलावा कुछ ना करो ठीक है और उसके बाद मैंने बताया था कि वो जब टास्क अपने लिख लो आप उसके बाद आपने क्या लिखना है ब्रेक ठीक है अब दूसरी वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो दूसरे केस के साथ आएगी केस टू और उसमें हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एडिट की जगह क्या लिख देते हैं डिस्चार्ज ठीक है इसके नीचे भी क्या लगा देते हैं ब्रेक लगा देते हैं अच्छा केस थ्री में क्या है आप पेशेंट सर्च ठीक है और इसके नीचे क्या लगा देते हैं ब्रेक और एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं हम इसको अभी एनालाइज करेंगे ए टू जी आपने उस चीज को भी बॉडर नहीं करना उसमें हम लिख देंगे प्रिंट क्योंकि इनमें से कोई केस नहीं चला तो ये वाली केस चल रहा है ना तो इसमें हम लिख देंगे रॉन्ग ऑप्शन चल अब इसको डैसेक्ट करते हैं ये, किया क्या हमने ये बेसिकली इफ एल्स इफ एक तरह की इफ एल्स इफ किस तरह के अगर ये केस चल गया तो नीचे वाले केसेस नहीं चलेंगे ठीक है अगर ये केस चल गया तो नीचे वाले केस नहीं चलेंगे और अगर कोई भी केस नहीं चला तो ये एंड पे डिफॉल्ट चलेगा तो ये डिफॉल्ट जो हमारा नहीं शो हो रही है स्क्रीन तो मुझे पूरी शो हो रही है मैंने बताया था कि आप ना मेंबर्स में से सर्च कर सकते हैं वो आपको शो हो जाएगी आप उसे पिन कर दें पिन किया कि हुआ है आपको ये भी शो नहीं हो रहा है मुझे भी शो नहीं हो वो यो स्क्रीन इज़ विजिबल टू अदर्स सर पिन करने के बाद भी शो नहीं हो रही ओके मैं देख लेता हूं क्या हो रहा है किस-किस को शो हो रही है वो हैंडलेस कर सकता है अच्छे खासे बच्चों को हो रही है अच्छा मैं एक दफा ना प्रेजेंटिंग स्टॉप कर देता हूँ उसके बाद मैं दोबारा प्रेजेंट करना शुरू करता हूँ चलें, अब मैं अगेन प्रेजेंट करता हूँ आप मुझे बताइएगा अगर आपको शो हो रही है चलें, अब हुई शो आप किसी बच्चे को इशू तो नहीं है मेजॉरिटी को असल में ना शो हो रही है अगर आपको इन केस नहीं शो हो रही तो आप उसको ना रीजॉइन कर लें मैं एक मिनट फिर वेट कर जाता हूँ दो टाइम जा रहा है अच्छा फॉर द लास्ट टाइम जिनको शो हो रही है वो हैंड दें हैं ताकि मैं कंफर्म कर लूं कि मेजोरिटी को शो हो रही है ठीक है हो रही है मेजोरिटी को शो दस बारहड रेस गए ज्यादा आगे चले हम अब दोबारा से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जितना हमारा था वो मैं ये कह रहा था कि ये इफ की तरह काम करता है कि अगर ये केस चल गया ना तो ये वाला सारा काम नहीं चलने वाला ये केस चल गया तो नीचे वाले नहीं चलने वाले और डिफॉल्ट केस जो होता है ना वो आखिरी एल्स नहीं होती थी इफ एल जिफ के अंदर जो आखिरी एल्स लिखते थे जब कोई भी इफ एल्स नहीं चलती थी तो हम कहते थे कि अब आखिरी वाला एल्स पार्ट चला दो तो ये डिफॉल्ट केस उस एल्स की तरह सर्व कर रहा है अब हम इसे एक दफा ना चला के देखते हैं कि क्या भाई हमने जो कोड लिखा है वो आया कि सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा तो अभी मेरे से इनपुट मांग रहा है मैं लेट से टू लिखता हूँ उसने कह दिया पेशेंट डिस्चार्ज ठीक है तो करना क्या कि आपने स्विच लिखना है स्विच के अंदर आपने वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी वैल्यू की बेस के ऊपर आपने केस बनाने होते हैं तो केस के आगे आपने बस लिखना होता है केस और केस के आगे आपने वो वैल्यू लिखनी होती है जिसके ऊपर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैंने कहा कि जब वैल्यू वन आएगी तो आपने प्रिंट करना है पेशेंट एडिट और फिर आपने ब्रेक लगा देनी है जब वैल्यू टू आएगी तो आपने कहना पेशेंट डिस्चार्ज और ब्रेक लगा देनी है जब वैल्यू थ्री आएगी तो ये काम करना है और जब इन तीनों में से कोई वैल्यू ना आए तो आपने कहना हैोंग ऑप्शन तो अब हम ऑप्शन वाला केस भी चला के देख लेते हैं कि आज तक वो चलता भी है कि नहीं चलता तो हम फाइव देकर देखते हैं तो उसने कह दिया कि रोंग ऑप्शन सो दैट दैट इज ऑ आपकी स्विच स्टेटमेंट काम करती है इसके अलावा इसमें कोई और कॉन्सेप्ट है नहीं अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि हमने ना असल में यहाँ पर इंटीजर यूज किया आप देख सकते हो चॉइस वेरिएबल एक इंटीजर है क्या ये कैरेक्टर वेरिएबल के साथ काम कर सकता है जी ये कैरेक्टर वेरिएबल के साथ भी काम कर सकता है मैं ऐसे भी कर सकता हूँ लेट से मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाता हूँ सी uh, बना देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे चॉइस की जगह आप सी वेरिएबल के बेस पे चॉइसेस बनाओ और ये अगर उसमें ए आता है तो ये चलाओ उसमें बी आता है तो ये चलाओ ये चीज भी ना मुझे टोटली totally अलाउड है तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा तो फॉर द टाइमिंग इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने पिछले एग्जाम्पल में से भी एक और चीज को भी अंडरस्टैंड उससे पहले अगर आपको यह चीज समझ आ गया तो अपना हैंड रेस कर दें ओके ठीक है स्विच स्टेटमेंट ऐसे काम करती है वो बेसिकली इफ एल जिफ की तरह होती है आपने स्विच के ब्रैकेट के अंदर लिखना है उस वेरिएबल का नाम जिसकी बेसिस के ऊपर केस बनाने हैं फिर आपने केस लिख के उस वेरिएबल की सर्टेन वैल्यू लिख देनी है करेक्टर वेरिएबल है तो आपने वो करेक्टर मैंशन करना है जिसके ऊपर केस चलाना है इंटीजर वेरिएबल है तो आपने वो इंटीजर वैल्यू मेंशन करनी है जैसे मैंने वन टू और थ्री मेंशन किए हैं उसके बाद आपने कॉलन डालना है और फिर आपने लिखना है कि आ, क्या काम परफॉर्म करना है और उसके बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट डालनी है अच्छा सवाल ये पैदा होता है ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है तो इन जनरल बड़ी फजूल सी एग्जाम्पल है गाड़ी की ब्रेक ना हो तो क्या होता है गाड़ी चलती रहती है ठीक है और गाड़ी का ब्रेक ना लगना एक डिजास्टरस इवेंट है और हम उसी डिजास्टर्स इवेंट की ना एक एग्जांपल देखने लगे हैं। मैंने इन दोनों ब्रेक्स को कमेंट कर दिया ठीक है अब मैं चलाता हूं अब अगर मैं वन प्रेस करूंगा जो पहले में करा था असूलन सिर्फ इतना चलना चाहिए था कि पेशेंट एडिट ठीक है क्योंकि केस वन डील कर रहा है ना इस चीज को तो अब मैं वन प्रेस करता हूँ मैं देखता हूँ क्या चल रहा है चल उसने ये भी कहा पेशेंट एडिट उसने ये भी कहा पेशेंट डिस्चार्ज उसने ये भी कहा पेशेंट सर्च उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैंने यहां पर ना ब्रेक नहीं लगाई हुई थी तो उसने पहले आया उसने कहा अच्छा वैल्यू वन है उसने उसने इस केस को चलाया लिख दिया पेशेंट एडिड उसे ब्रेक भी मिली उसने केस थ्री भी चला दिया उसने कहा पेशेंट सेस्ट लेकिन जब उसे पहली ब्रेक मिल गई वो फाइनली रुक गया तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट को लगाना नहीं भूलना ठीक है अगर आपको अब समझ आ गई है स्विच स्टेटमेंट के बारे में और इस बारे में

वाक्य हो गया था मेरे साथ क्योंकि उसमें फाइल लगी थी उसमें कुछ ऐसे सर्टेन टास्क परफॉर्म हो रहे थे जिससे मेरा कोड क्रैश हो जाता और वो बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कुछ भी हो जाए ब्रेक स्टेटमेंट लगानी नहीं बोलनी ठीक है ये थी आपकी स्विच स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को खत्म करने के साथ हमने जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट थी ना उनको इवेंचुअली खत्म कर लिया हमने इफ भी पढ़ ली इफ एल भी पढ़ ली उसके बाद हमने देखा कि इफ एल जिफ को नीट करके हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज होने वाला वेरिएबल कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है इंटीजर टाइप भी हो सकता है किसी के टाइप का भी हो सकता है ठीक है अब हम जाएंगे लूप्स की तरफ अब लूप्स क्या है ये देख लो लूप ना किसी प्रोग्राम के पार्ट को अगर मैंने बार बार चलाना ना फॉर सम रीजन उसमें यूज होते हैं लूप पहले हम देखेंगे लूप काम कैसे करता है अच्छा आज हम ना सिर्फ फोर लूप को स्टडी करेंगे बाकी भी तीन टाइप्स के लूप होते हैं लेकिन हम आज स्टडी कर रहे हैं सिर्फ फोर लूप को ठीक है हम पहले देखेंगे फोल्ड लूप काम कैसे करता है थोड़ा सा उसको डीपली स्टडी करेंगे उसके बाद उसके फ्लो को समझेंगे उसके बाद एक आधी एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा तो अब आपने ना केयरफुली एक, -एक स्टेटमेंट को सुनना है एक एक जो काम मैं कर रहा हूँ आपने उसको समझना है ठीक है क्योंकि अगर आपने इसमें एक भी चीज़ प्रोग्राम के फ्लो को समझने में, में मसला कर दिया ना तो वहां पे आप लोग फंस जाएंगे जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वो इफ एल जीफ की जरूरत क्यों आई तो वहां पे आपको प्रोग्राम का फ्लो पता होता तो ही आप समझ पाते ना कि अगर मैं सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं तो उसमें क्या मसला आ रहा है तो आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है तो आपने फ्लो को नहीं बोलना बस अच्छा इस सबको ना कॉमेंट कर देते हैं इसने अपना पर्पज जो है वो सर्व कर लिया बेसिकली तो हम इधर तक कॉमेंट कर देते हैं अच्छा हम नीचे चलते हैं Okay, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ठीक है फोर लूप का सिंटेक्स सुन लें क्या परपस तो पता है कि वो एक प्रोग्राम की कुछ स्टेटमेंट्स को ना मल्टीपल टाइम्स चलाएगा किस तरह चलाएगा कैसे चलाएगा वो देखते हैं पहले समझ लें कितनी दफा परफॉर्म करना है टास्क और कितनी दफा रिपीट करना है टास्क या फिर कितनी आइट्रेशन करनी है ये कीवर्ड आप सुनेंगे आइट्रेशन और रेपिटेशन तो उसके अंदर हम एक ना कंट्रोल वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं के अंदर और कन्वेंशन है कि for loop के अंदर हम I variable करते हैं वो कैसे यूज करते हैं अभी मैं देख लेता हूं। इसके तीन parts होते हैं पहले आप लिखते हो फिर आप डाल देते हो bracket, और ब्रैकेट के बाद आप डाल देते हो करली ब्रेसेस ठीक हो गया अब ये बोल अब इतना याद रख लें फोर कीवर्ड आ गया आपकी ब्रैकेट आ गई और आपके करली ब्रेसेस आ गए अच्छा इस ब्रैकेट के अंदर तीन पार्ट्स हैं पहला पार्ट क्या है इनिशियलाइजेशन

इंट आई इज इक्वल टू फिलहाल हम आई को इनिशियल वैल्यू दे देते हैं one दे देते हैं ओके लूप कब तक चलाना है मैंने कहा लूप तब तक चलाना है, जब तक I less than, equal to 10 है. ठीक है और आई को सिंपल प्लस प्लस करो अब दिस टाइम आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि आई प्लस प्लस क्या करता है आई प्लस वन ठीक है मैंने आपको कल जब यूनरी ऑपरेटर्स पढ़ाए थे ना तो मैंने आपको एक चीज बताई थी मैंने कहा था कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट तब फर्क पैदा करते हैं जब वो एक एक्सप्रेशन के अंदर यूज हो अगर वो किसी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं तो उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा कहने का मकसद ये यह है यहां पे देख लें अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना बस एक लाइन में या मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इन दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है जब तक ये किसी एक्सटर्नल कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बन रहे तो आप अगर यहां पे सेमी कॉलन देख रहे हो ना और यहां पे भी अगर आपको सेमी कॉलन देखा है तो आपको समझ लग लगी होगी कि ये एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है कुछ बुक्स के अंदर आपको यहां पे प्लस प्लस आई भी देखने को मिलेगा कुछ लिटरेचर के अंदर आई प्लस प्लस भी देखने को मिलेगा इसी तरह कुछ टीचर प्लस प्लस आई लिखते हैं कुछ टीचर आई प्लस प्लस लिखते हैं तो आपने उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है ओके अब मैं कहता हूं आई की वैल्यू वन से लेकर टेंथ तक आई को प्लस प्लस करो और ये क्या करो उतनी देर प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड करा देते हैं टाइम और बैक स्लैश एंड डाल दो तो लूप कितनी बार चलेगा अब हम एक चीज सीख रहे हैं जो कि है ड्राई रन ठीक है अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन असूलन इस लूप को दस दफा चलना चाहिए क्यों क्योंकि मैंने कहा कि आई की वैल्यू वन है तो जब पहली दफा लूप चलेगा आई की वैल्यू क्या होगी वन होगी फिर जब लूप दूसरी दफा चलने आएगा ना यहां पर इस वाली स्टेटमेंट में दोबारा तो पहले सबसे पहले ये वाला पार्ट चलेगा ये आई प्लस प्लस वाला

फिर ये वाला पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा ये नहीं चलेगा अब हम इसे चला के देख लेते हैं दस दफा आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया ठीक है अभी अगर नहीं इतनी समझ आई तो उसकी टेंशन नहीं लेनी अभी जो दूसरी एग्जांपल्स करेंगे उससे लूप समझ आ जाएगा लेकिन अगर ऑन द बेसिक लेवल आपको ये समझ आ गया ना कि फोर लूप कैसे काम करता तो अपना रेस कर यस एवरी लेक्चर इज रिकॉर्डेड ठीक है ओके okay, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो लिख दे नहीं तो अगले एग्जांपल्स में वैसे क्लियर हो जाएगा ओके okay, अब हम अम्पति क्या करते हैं हम इसको ना डीपली स्टडी करने के लिए यहां पे हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करते हम क्या करते हैं हम यहां पे आते हैं और हम आई की वैल्यू को ही प्रिंट कर लेते हैं जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ के वेरिएबल की वैल्यू कब क्या कहा हो रही है ठीक है तो अब हम i की वैल्यू जो लूप का वेरिएबल है ना i हम इसी की वैल्यू को नीचे प्रिंट कर रहे होंगे ये देखने के लिए लूप कितनी दफा चला है तो यह लें सर, आपको पता लग गया जब लूप पहली दफा चला था तो i की वैल्यू वन थी दूसरी दफा चला i की वैल्यू टू थी थ्री हो गई फिर 4 हो गई फाइव होगी और कब तक चलता रहा लूप जब i की वैल्यू टेन हो गई जैसे ही i की वैल्यू प्लस प्लस होके इलेवन हुई उसने लूप के अंदर के बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया अगर तो करते तो यहाँ पे आईज इक्वल टू इलेवन भी प्रिंट हो जाता लेकिन प्रिंट नहीं हुआ ठीक है अब समझ लगी है तो हैंड रेस कर दें। YouTube के ऊपर हमारे लेक्चर अपलोड हो जाते हैं हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे और okay, really आपका कंसर्न आप ना जो भी डायरेक्टली लेक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं होता आप काइंडली मुझे बाद में लेक्चर के पूछ लेकर वो बीच में फिर मुझे कोई दूसरा जवाब देना पड़ जाता है ओके okay, अच्छा अब समझ लगी लूप कैसे काम करता है सवाल यह कि लूप के सिर्फ इन्हीं कामों के लिए बना के हेलो वर्ल्ड को सौ दफा प्रिंट कर दो या फिर इसको दस दफ़ा कर दो क्योंकि लूप की जरूरत क्यों पेश है ये तो मुझे समझ लग गई ये तो आपको भी समझ लग गई ना कि मैं दस दफ़ा आई की मैनुअली uh, प्रिंट print करता प्रिंट 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 थ्री उससे बेहतर ये नहीं है कि मैंने तीन लाइनों के अंदर काम कर दिया ये इसका बेनिफिट तो बहुत ईजी था वो तो हम सबको समझ आ गया लेकिन अभी भी पर्पज नहीं समझ आ रहा कि और ऐसा क्या काम है जो लूप की एप्लीकेशन के अंदर फॉल करता होगा तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फिलहाल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर सम रीजन इसका नाम रखवा देता हूँ मार्क्स नहीं, नहीं रखवा देते अब देखना होता क्या हम इसके अंदर क्या करते हैं हम स्कैन करते हैं ओके परसेंट डी एड्रेस ऑफ मार्क्स को तो ओके okay. और उसके बाद हम क्या करेंगे एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेते हैं टोटल uh, बना लेते हैं टोटल इज इक्वल टू जीरो इसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया है ओके okay, आपको यह चीज भी पता होनी चाहिए कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टोटल प्लस इक्वल मार्क्स ठीक है तो मैं इस वाली नोटेशन को ज्यादा यूज कर रहा हूंगा तो इसका मतलब यही है ठीक है ये आप समझ जाइएगा तो यहां पे नीचे मैं क्या कहता हूँ मैं यहां पे मार्क्स को इनपुट ले लेता हूँ फिर मैं कर देता हूँ टोटल प्लस इक्वल मार्क्स ठीक है ओके और जब मेरा लूप खत्म होता है मैं क्या करता हूँ प्रिंट एफ करा करता हूं डी कॉमा टोटल ठीक है तो वो मैं रज्यूम कर लेता हूँ मेरी क्लास के अंदर दस नहीं दस इनपुट देते हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा पांच बच्चे हैं मैंने उन पांचों के मार्क्स का टोटल निकालना है जस्ट टू

तो पहले मैं ट्वेंटी डालता हूँ फिर मैं 12 डालता हूं, फिर मैं 12 डालता हूं, फिर मैं डालता डालता फिर फिर टोटल प्रिंट हो गया ठीक है तो ये एक और मिनी एप्लीकेशन ऑफ लूप मैंने आपको बता दी कि आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर लूप यूज करते हैं जब आप इतनी ज्यादा दफा इनपुट या इतनी ज्यादा दफा एक काम को जो कि रिपीटेडली हो रहा है मैनुअली नहीं करना चाहते तो ऐसे मौके पर आपको कौन हेल्प करता होता है लूप करता है। अच्छा वजाहत कौन सा पार्ट सलीना uh, वो ठीक है इट्स अ गुड प्रैक्टिस आपको लिखना चाहिए आपको यूजर को प्रॉन्ट देना चाहिए कि आपसे आप उसे क्या इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना वो तो आप लिख ही देंगे इनपुट प्रॉम्प्ट तो आपका काम है मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इनपुट आएगी तो वैसे बेनीपलेट होगी ओके रिपीट कर दे मार्क्स वाला कर देते हैं सर पहली बार मुझे पता है ये नोटेशन समझते हैं दोबारा से फिर आपने मुझे बताया ना आपको नोटेशन समझ आई कि नहीं आई ये चीज तो आपको लोगों को पता होगी अभी तक आपने कर ली होगी कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स कि मैं चाहता हूं कि टोटल की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर मार्क्स की वैल्यू ऐड हो जाए और इन दोनों का सम होकर जो न्यू वैल्यू है वो टोटल को क्या हो जाए असाइन हो जाए तो फर्स्ट या टोटल में अगर थ्री पढ़ा था ओके तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट किया टोटल में अगर थ्री पढ़ा था तो यहाँ पे क्या होगा थ्री प्लस फर्स्ट किया मार्क्स में ट्वेंटी पढ़ा था थ्री प्लस ट्वेंटी क्या होगा ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री इसको दोबारा क्या हो जाएगा रीअसाइन हो जाएगा लेकिन ये लिखना ना थोड़ा सा हैक्टिक है बार बार तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख दिया जाता है टोटल प्लस इक्वल मार्क्स के टोटल की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें प्लस कर दो क्या मार्क्स को और रीअसाइन कर दो वो चीज ये वाला पार्ट रीअसाइन कर दो किसको वापस वो टोटल को ठीक है अब ये वाला पार्ट समझ आए ये नोटेशन समझ गया तो अपना हैंड रेस करें ठीक है अब मैंने क्या किया मैं लूप के अंदर आया और लूप के अंदर पहले मैंने ली इनपुट अब बाय दिस टाइम आपको पता है लूप के अंदर जो काम होगा वो रिपीटेडली होगा तो अगर लूप पांच बार चल रहा है तो पांच बार मेरे से क्या ली जा रही है इनपुट ली जा रही है तो ये पता किसना चलेगा पहले मेरे से इनपुट लेगा फर्स्ट की इनपुट ट्वेल्व थी तो मैं ट्वेल्व दूंगा अब टोटल के अंदर क्या पड़ा हुआ है जीरो और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि टोटल सॉरी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि टोटल की पिछली वैल्यू के अंदर मार्क्स एड करो और टोटल को रीअसाइन कर दो तो टोटल में क्या पड़ा है जीरो जीरो प्लस ट्वेल्व क्या होता है 12 होगा और 12 टोटल को वापस असाइन हो जाएगा अब टोटल के अंदर वैल्यू आ गई 12 लूप एक दफा चल चुका है अब i की वैल्यू होगी 2 और लूप दूसरी दफा चलेगा अब फर्स्ट के मैं मार्क्स ऐड करता हूं 13। तो यहां पे वो 13 टोटल में ऐड होगा और ट्वेंटी हो जाएगा चले अब हमने तीन तक चला लेते हैं ज्यादा करेंगे तो हम फिर कपेंगे ठीक है अब लूप चलेगा तीसरी दफा अब i की वैल्यू क्या हो गई थ्री अब फर्स्ट की मैं ट्वेंटी ऐड करता हूँ तो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ऐड होगा और ये हो जाएगा फोर्टी फाइव

तो आप देख सकते हैं कि उसने फोर्टी फाइव क्या कर दिया है प्रिंट कर दिया अब समझ लगी है तो हैंड रेस कर दें चलें, ठीक है अब ना हम फोर लूप के साथ एसोसिएटेड दो वर्ड्स को भी देखने लगे की वर्ड्स को ठीक है एक है कंटिन्यू एक है ब्रेक दोनों क्या करते हैं लूप को तोड़ते हैं लेकिन कैसे तोड़ते हैं ये चीज पता होनी चाहिए अब इसके लिए मुझे आप लोगों से थोड़ी सी ना पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है है सिंस क्लास टाइम कम तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं रिक्वा सवाल करूंगा आपने जल्दी से उसका जवाब लिखना है, अपने फर्स्ट थॉट के ऊपर ओके तो अब ना हम स्टार्ट करते हैं हम इस वाली चीज को थोड़ी देर के लिए ना यूज नहीं कर रहे हैं इधर आ जाए आई को प्रिंट करते हैं बस ये काम कर देते हैं क्यों करेंगे वो देख लेते हैं अभी एक को और चीज समझानी बस ओके और इसके साथ में बैक स्लैश एंड डाल देता स्लेश चले इसको हटा देते हैं और ये वाला पार्ट भी रिमूव कर देते हैं आपको बाद में मिल जाएगा और इसको 10 तक ही चलाते हैं अब ये वाला कोड गौर से देखें और इसकी मुझे आउटपुट बताएं क्या होगी बस आप इतना भी लिख सकते हैं वन से लेके कब तक चलेगा अब चले, मैं इस तरह पूछ लेता हूं कि ये एक लूप कितनी दफा चलेगा आई की कितनी वैल्यूज प्रिंट होंगे बस इतना बता दें वन से टेन वन से टेन एग्जैक्टली चले देख लेते हैं आप लोग सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? चला देते हैं ये ले वन से तक प्रिंट हो गया आप लोग ठीक कह रहे थे ओके वो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा वो ज्यादा ऊपर चला जाता है ओके ये चीज तो आपने ठीक कह दी आप ना हम दो स्टेटमेंट देखने लगे हैं एक है आ, ब्रेक और एक क्या है आपकी कंटिन्यू तो पहले मैं क्या करूंगा मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करूंगा अच्छा उससे पहले मुझे यह बताएं कि कल मैंने एक ऑपरेटर यूज किया था और और ऑपरेटर याद है क्या करता था करें, अगर आपको याद है क्या करता था मैं एक क्विक दे दे देता हूं वो ये करता था कि इफ कंडीशन के अंदर एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो और ऑपरेटर चल जाता था वो कंडीशन को चला देता था अब मैं यहां पे पता क्या करने लगा मैं यहां पे लिखने लगा इफ आई चलें और ऑपरेटर को यूज करते हैं वो कोई कम्प्लेक्स एग्जांपल हो जाएगी हम इवन नंबर प्रिंट कर लेते हैं इवन नंबर की कंडीशन ये है कि आई मॉडुलस टू जो है वो डबल इक्वल हो जाएगा जीरो के ये तो आई होप आपको पता ही होगा ना कि किसी नंबर का टू से अगर डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो क्या होता है इवन होता है तो मैं कह रहा हूं अगर नंबर इवन आ जाए तो आप क्या करना है आपने कंटिन्यू कर देना चलाएं आप देख सकते हो तो यहाँ पे उसने इवन नंबर्स को प्रिंट नहीं किया ठीक है उसकी वजह पता है क्या वो मैं बताता हूं। जब आप कंटिन्यू चलाते ना तो कंटिन्यू के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो लूप की उस स्पेसिफिक आइट्रेशन के लिए स्किप हो जाती है फर्स्ट किया यहाँ पे आई की वैल्यू जब टू आई थी तो टू मॉडल टू क्या होता है जीरो तो पे ये कंडीशन ट्रू हो गई उसने कंटिन्यू चलाया कंटिन्यू के नीचे वाली ये वाला पार्ट I is equal to two के के लिए लिए क्या हो 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 गया? गया। मैं पे लिख देता ये ये जाएगा। ठीक है? उसके बाद की value three हुई। ये condition false हुई। कंटिन्यू चला ही नहीं तो उसने प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू को जो कि क्या थी थ्री थी फिर आई की वैल्यू फोर हुई ये कंडीशन क्या हो गई टू हो गई उसके बाद क्या हुआ सर के उसने ये वाला पार्ट कंटिन्यू चला दिया कंटिन्यू चलने की वजह से ये सारा स्किप हो गया उसके बाद आई की वैल्यू जब फाइव हुई तो ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया तो उसने आई की वैल्यू को क्या कर दिया प्रिंट कर दिया तो कंटिन्यू आप जब भी यूज करते हो ना वो लूप की उस आइट्रेशन में बाकी जितना भी काम होता है उसको क्या कर देता होता है स्किप कर देता होता है ठीक है इस बात की समझ आई है तो हैंड रेस कर दे ठीक है।, है तो मैंने जहां पे कंटिन्यू लगाया उससे नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना ओके मैं रिपीट कर देता हूं आप ये आउटपुट देखें आप देखें आई वन से लेकर टेन तक चल रहा था प्रिंट हुए सिर्फ एव, और नंबर क्योंकि मैंने पता है क्या किया मैंने कहा यहां पे जब भी नंबर इवन आएगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चला दो ये स्टेटमेंट जब भी चलेगी ना लिख देता हूं इसके नीचे जितना भी है इग्नोर हो जाएगा फॉर डैट आइट्रेशन तो अगर आईज इक्वल टू टू है तो i is equal to two वाली के लेकिन ये वाला पार्ट तो इग्नोर हो, तो हो गया अब वो शुरू से लूप में आ गया यहाँ पे आ गया तो i इक्वल टू थ्री हुआ तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई कंटिन्यू चला ही नहीं तो उसने आईज इक्वल टू थ्री को क्या किया प्रिंट किया उसके बाद वो दोबारा इधर आया आईज इक्वल टू फोर हुआ और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कंटिन्यू चला ये सारा स्किप कर दिया आईज इक्वल टू फाइव हुआ कंडीशन फॉल्स हो गई उसने प्रिंट कर दिया अब समझ कंटिन्यू कंटिन्यू कैसे काम करता है? ओके, okay, अब के कंट्रास्ट में कोर स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है वो है ब्रेक अब ब्रेक क्या करती है वो देख लेते हैं उसके लिए मैं इस कंडीशन को यूज नहीं करूंगा मैं एक और कंडीशन यूज करता हूं मैं कहता हूं कि इफ आई इक्वल टू फाइव हो तो क्या करो ब्रेक करो ओके okay, अगर मैं यहां पे कंटिन्यू लिखता तो क्या होता ये कोड गौर से देखें आई वन से टेंथ तक चल रहा है और मैं कह रहा हूं जब आईज इक्वल टू फाइव हो तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं कंटिन्यू तो फिर क्या होना था फिर आप मुझे बताएं ओके वजहत गुड आंसर और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा ओके आई एम एक्सपेक्टिंग के लड़कियों के साइड से भी एक जवाब आ जाए एटलीस्ट मुझे आइडियो को समझ आ रही नो वन फ्रॉम गर्ल साइड ओके फाइव प्रिंट नहीं होगा अभी हमने डिस्कस किया ना कि आई की उस वैल्यू के लिए वो वाली लूप की आइट्रेशन इग्नोर हो जाएगी तो ये सारे सही कह रहे हैं फाइव प्रिंट नहीं होने वाला अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू की जगह ना ब्रेक लगा देता हूँ अब देखते हैं क्या होगा तो उसने वन टू थ्री फोर प्रिंट किया और उसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ ब्रेक स्टेटमेंट जब भी चल जाए ना तो वो लूप को तोड़ देती है वो लूप से बाहर आ जाती है सीधा यहां बाहर आ जाएगी ठीक है मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा फ्लो समझाने के लिए शाह यहां लिख देते हैं ठीक है तो आप देखिएगा वन टू थ्री फोर के बाद डायरेक्ट शान प्रिंट हो जाएगा ये लो उसकी वजह यह है कि जब आई की वैल्यू फाइव हुई तो यहाँ पे ब्रेक चल गया ब्रेक क्या करता है ब्रेक पूरा लूप ही तोड़ देता है आगे लूप की बेशक तीन सौ हाइट्रेशन भी पड़ी होंगी ना ब्रेक को परवाह नहीं है ब्रेक कहता है ब्रेक लग गई तो बस ठीक है बात खत्म अब लूप के बाद चले जाओ बस यहाँ पे आ जाओ ठीक है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट में फर्क है लग गई समझ तो हैंड रेस कर दे ओके okay, अभी तक हमने लूप पढ़ा स्विच स्टेटमेंट पढ़ी और लूप के अंदर कंटिन्यू और ब्रेक किस तरह काम करते हैं ये पढ़ा अपना हैंड रेस अब डाउन करें जरा तीन के, लिए, दो ओके। ये चार के नाम लिए मैं दोबारा स्विच ब्रेक कंटिन्यू और लूप ठीक है ये चारों समझ आ गए तो हैंड रेस करें ताकि मैं आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन एक करा दू आपको ओके अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब तक आपको समझ आ गई है लूप कैसे काम करता है ठीक है अब ना हम प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करने लगे हैं? वो सुन लो अब वो हैंड रेस करेगा बच्चा जो जिसको ये नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है बस जिसको नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है किसी को भी नहीं पता आप अच्छा प्री मेडिकल के हो अच्छा। मैं बता देता हूँ फैक्टोरियल पता क्या होता है मैं एमएस वर्ल्ड की फाइल ओपन कर देता हूँ फैक्टोरियल ना इस तरह लिखा जाता है आ, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल फर्स्ट या फाइव फैक्टोरियल निकालते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क इसका मतलब ये होता है कि से लेके वन तक जितने भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे इसका जो रिजल्ट आएगा वो फाइव का फैक्टोरियल होगा इनका रिजल्ट आता है कि है 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 होता होता क्या ठीक तो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल तो अब हमने लूप से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है अब कंडीशन समझ लो क्या है कंडीशन ये है कि, कि जो भी नंबर मेरे पास आएगा मैंने उस नंबर से लेकर वन तक का लूप चलाना है

और वन यूज करने का एक फेयर एडवांटेज यह मल्टीप्लाई कर दो तो, फर्क उसको कोई नहीं पड़ने वाला अच्छा काम क्या करना काम सुन ले काम बहुत सिंपल है result, equal, है रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल ठीक आई बस और कुछ भी नहीं करना तो ये चलेगा कैसे कि लूप की पहली एल्ट्रेशन में आई की वैल्यू क्या है वन तो रिजल्ट के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे देखें वन पड़ा हुआ है तो वन मल्टीप्लाई बाय वन होगा और इक्वल टू वन तो ये वन असाइन हो जाएगा रिजल्ट को अब लूप दूसरी दफा चलेगा अब आई के अंदर क्या पड़ा है टू पड़ा है और रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा है वन पड़ा है तो वन मल्टीप्लाई बाई टू होगा इसका आंसर आएगा टू और रिजल्ट में टू चला जाएगा अब तीसरी दफा लूप चलेगा आई में क्या पड़ा है थ्री पढ़े तो टू मल्टीप्लाई थ्री क्या होगा सिक्स तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा चौथी दफा चलेगा आई में फोर पड़ा होगा तो रिजल्ट में आ जाएगा ट्वेंटी फोर और पांचवी दफा जब लूप चलेगा तो आई में फाइव आ जाएगा और ये वन ट्वेंटी होता है और रिजल्ट में आ जाएगा वन ट्वेंटी छठी दफा i 6 हो जाएगा ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी लूप टूट जाएगा तो लूप जैसे ही टूटेगा हम नीचे आके प्रिंट करा लेंगे कि हमारा जो फैक्टोरियल लिख देते हैं ज्यादा सेंस बनेगी फैक्टोरियल इक्वल्स टू परसेंट d बैकस्लैश और यहाँ पे कॉमा डाल के हम क्या रिजल्ट प्रिंट करेंगे 10 मैं उम्मीद करता हूँ मैंने कोड सही लिखा होगा एक दफा रन कर लेते हैं क्या 120 आंसर आ रहा है जी वन ट्वेंटी आंसर आ रहा है इसके अलावा एक और नंबर के लिए टेस्ट कर लेते हैं सिक्स का फैक्टोरियल आएगा सेवन ट्वेंटी होता था अब मुझे खुद नहीं याद कितना होता था तो हम सिक्स का फैक्टोरियल भी निकाल लेते हैं ये याद है ना हम नम का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं क्योंकि ये लूप नम तक चल रहा है अच्छा यहां पे मैंने फाइल लिखा हुआ अब सही है ठीक है सेवन ट्वेंटी आ गए ठीक है सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग फॉर लूप समझ लग गई तो हैंड रेस कर दें लूप की ना एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है अभी हम एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं तो वो कोई इतना फजूल कॉन्सेप्ट नहीं है कि मल्टीपल टाइम सिर्फ मैंने प्रिंट ही करना था डेटा तो ही मैंने फॉर लूप लगाया और भी कहाँ पे चल लास्ट पार्ट कौन सा हो जैफा अली आप मुझे स्पेसिफिकली बता सकते हैं ये जो रिजल्ट कैसे कैलकुलेट हुआ ये पूछ रहे हैं अच्छा और भी इस तरह के बताता हुए आप आगे फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे जब डेटा आप फाइल से रीड करके लाते हो वो भी आप लूप से रीड करते हो क्या आप रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डेटा रीड करते जाते हो जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती तो लूप की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है मैं ये वाला सवाल जल्दी से एक मिनट में रिपीट करता हूँ फिर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ और आज का काम इधर ही खत्म करते हैं ओके क्या है कि रिजल्ट में वन पड़ा है? और आई के अंदर वो वैल्यू आएंगी वन से लेकर नम तक जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होना है और फैक्टोरियल सिक्स का कैलकुलेट होना है पहले रिजल्ट में वन है तो यहाँ पे क्या होगा आई में वन पड़ा वन मल्टीप्लाई वन रिजल्ट में वन आ जाएगा फिर लूप दूसरी दफा चलेगा तो आई में क्या आ जाएगा टू आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं आई इक्वल टू हो जाएगा तो वन मल्टीप्लाई टू क्या होता है टू तो रिजल्ट में टू आ जाएगा तीसरी दफा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री तो ये देखो मल्टीप्लाई इक्वल लगा हुआ ना तो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री क्या होता है सिक्स होता है तो रिजल्ट में सिक्स आ जाएगा चौथी दफा लूप चलेगा आई में फोर आएगा सिक्स मल्टीप्लाई फोर क्या होता है ट्वेंटी फोर तो इधर ट्वेंटी फोर चला जाएगा

समटाइम्स आप एक कॉन्सेप्ट से डील कर रहे होते हैं फ्लैग है। वेरिएता है, एक सौ दफा चला दिया और सौ दफा मैंने चलाने में न एक कंडीशन लगाई के मैं चाहता हूँ कि सौ दफा लूप चलने के अंदर जब भी वो कंडीशन ट्रू हो जाए कितनी दफा ट्रू हो रही है मुझे मसला नहीं है एक दफा भी ट्रू हो जाए तो मुझे पता लग जाए कि भाई वो कंडीशन टू ही है इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि मैं सो एग्स के डेटा को चेक कर रहा था अपने प्रोग्राम के अंदर मैं चाहता मुझे जैसे ही कोई default, uh, कोई डिफॉल्ट फॉल्टी एग मिले ना वहां पे पता लग जाए कि अच्छा इसका मतलब इस के अंदर मेरे पास अभी फॉल्टी एग पड़े हुए हैं तो इस मौके पे आप ना फ्लैग वेरिएबल को यूज करते हो करते कैसे हो वो सुन लो बहुत ईजी तरीका है आप फ्लैग नाम का इंट वेरिएबल बनाओ और उसमें जीरो रखवा दो आप चेक करो इफ एग इज इक्वल टू फॉल्टी तो फ्लैग की वैल्यू वन कर दो और लूप को ना छेड़ो लूप को चलता रहने वो जब लूप खत्म होगा तो आप जाके चेक कर लो क्योंकि फ्लैग की वैल्यू वन हुई है अगर फ्लैग की वैल्यू वन हुई है इसका मतलब फॉल्टी एग आया था तो आप लिख देना द दे लॉट हैज फॉल्टी एग और अगर लूप फ्लैग की वैल्यू कभी वन नहीं हुई इसका मतलब कभी फॉल्टी एग आया ही नहीं था कंडीशन ट्रू होती तो फ्लैग की वैल्यू अपडेट होती ना अभी मैं करके दिखाऊंगा तो इस तरह फ्लैग वेरिएबल यूज होता है अच्छा सवाल सुन ले करने वाले हैं सबको ये पता है प्राइम नंबर क्या होता है

वो से ले, टू से ले से लेकर उस नंबर एक वैल्यू माइनस वन तक क्योंकि मैं कहता हूँ ये अप्रोच थोड़ी गलत है उसकी वजह पता क्या मैं देखना चाहता हूं, 10 है फर्स्ट किया टेन प्राइम है कि नहीं है तो मुझे आप बताओ कि क्या ये बात अंडरस्टूड सी नहीं है कि फाइव से बड़े किसी भी नंबर से टेन डिवाइड नहीं हो सकता रूल क्या है कि एक नंबर अपने हाफ से बड़े नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता हंड्रेड का हाफ क्या है फिफ्टी है ना तो फिफ्टी से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता जब तक हंड्रेड खुद ना आ जाए ये बात समझ आई जो मैंने बताई है इसके बारे में खुद दो मिनट आप सोचेंगे आपको खुद ही समझ लग जाएगी 150 है उसका हाफ क्या है? 75 तो 75 से बड़े किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा 4 का हाफ 2 है 2 से बड़े नंबर से 4 डिवाइड नहीं हो सकता तो अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो उसमें मैं क्या चेक करूंगा कि क्या वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो मैं उसके हाफ से बड़े नंबर से डिवाइड चेक करूंगा ही नहीं क्योंकि वो फजूल काम है ना मुझे तो पता है तो बस इस चीज को याद रखना था आपने ओके अब हम इसका कोड लिखते हैं हम इस वाले को कमेंट कर देते हैं हमारे पास दस मिनट है हम इसको जल्दी से पांच मिनट के अंदर तीन मिनट में लिख देंगे बल्कि ओके फर्स्ट किया जो नंबर है जिसको चेक करना है प्राइम है कि नहीं है वो थर्टी है और थर्टीन प्राइम है बाय द वे ओके और मैं फ्लैग वेरिएबल बना देता हूँ फ्लैग को मैं फा दूंगा जीरो लूप कब तक चलना आपको पता होना चाहिए ओके

मैं फैक्टर्स थोड़ी ना निकाल रहा हूँ मैंने तो बस देखना था कि प्राइम है कि नहीं है ओके okay, अगर ये कंडीशन कहीं पे भी ना चली तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्राइम नंबर है क्योंकि कभी फ्लैग फ्लैग हुआ ही नहीं होगा <coughs> तो लूप के बाहर आ जाओ एक लगा दो इफ इसको मैं वैसे ऐसे भी लिखा लेने दे सकता हूं मैंने आपको बताया कि हर नॉन जीरो वैल्यू ट्रू कंसिडर होती है तो अगर फ्लैग वन होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू कंसिडर होगा लेकिन मैं लिख देता हूं अभी हम इस चीज को नहीं देख रहे तो अगर फ्लैग वन हो गया तो आपने ना क्या करना है आपने प्रिंट करना है नॉट प्राइम ऐसी ओके मैंने ना एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दिया उसको मैं हटा देता हूं ओके और एल्स में क्या करना है ऐसे ही है अब चला के देख लेते हैं थर्टीन प्राइम नंबर है तो हम उम्मीद करते हैं हमने करनी की तो प्राइम आ गया। अब हम कोई ऐसा जो प्राइम नहीं है तो हमें तो ये वाला कोड अगर आपको समझ आया तो अपना कर दें। काफी इजी कोड था बस हमने कंडीशन चेक करनी है कि नंबर डिवाइड हो गया हो गया तो फ्लैग को वन कर दें अब जैसे ही लूप खत्म होता है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट लूप को तोड़ देना तो फ्लैग की वैल्यू को चेक कर लें। अगर की वैल्यू नहीं नहीं हुई होगी, इसका मतलब वो कभी डिवाइड ही ही हुआ, क्योंकि कंडीशन लेक्चर समझ आ गया तो आप हैंडरेज कर लें सारे ओके निस्बतन थोड़े कम हैंडरेजेज हैं किसी को कोई अगर ऐसे लेक्चर में किसी भी जगह पे इश्यू आया करे ना तो आप मुझे पर्सनली बाद में रीच आउट कर लिया करो मुझे बता दिया करो कि कर मैंने कोई बात बताई है कि ठीक है है उमर गुड स्क्रीन लास्ट पार्ट ओके ये ये देख लीजिए काम है. एक नंबर लिया एक फ्लैग लिया फिर लूप चलाना है टू से लेकर उस नंबर डिवाइड बाई टू तक मैंने अभी बता दिया क्योंकि हाफ से ज्यादा बड़े नंबर से नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता अंदर एक कंडीशन है कि अगर वो नंबर आई की किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो गया आंसर आ गया ना उसके मोडलस का तो फ्लैग को वन करके लूप को उधर ही तोड़ दो अदरवाइज लूप को चलता रहने दो नीचे आके देख लो कि स्पेशल तो नहीं, होना, होना है। है? नहीं नहीं कोई स्पेशल वर्ड नहीं आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं आप अपना नाम लिखते हैं कोई मसले की बात नहीं मैंने इसलिए आपको कहा था फ्लैग एक कॉन्सेप्ट नहीं है एक टेक्निक है जिससे आप बेसिकली पता लगा सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है ओके okay. uh, पांच मिनट रह गए आपको मैं असाइनमेंट दूंगा आपके ऊपर आप उसे वीक में कैसे मैनेज करते हैं अब पांच सौ वाली दूंगा सिंस आप लोगों ने कहा पाँच सौ वाले तो मैं आपको पहले बता रहा हूं मैं असाइनमेंट में भी लिखा था बच्चे सुनते नहीं है फ्लैग फंक्शन ही फ्लैग एक वेरिएबल है फ्लैग कोई खास पर्पज नहीं सर्व कर रहा सिवाय इसके कि हमें यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू अपडेट होने की वजह से पता लग रहा है

वो जितना मर्जी प्यारा आउटपुट दिखाना चाहते हैं आप क्या दिखा दें लेकिन आपने मुझे नहीं सबमिट करनी अगर आंसर सही है तो मुझे नहीं सबमिट करना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जहां पे आपको मसला आता है जो चीज़ आपसे सॉल्व नहीं होती आपने तब मुझे टेक्स करना है कि ये वाली चीज यहाँ पे मुझे अब समझा दो ठीक है वो बच्चे सबमिशन कर लेते हैं वो सही होती है मुझे फिर पता वो सही है वो फिर उसको सेंड कर देते हैं तो वो ओवरलोड ही है मेरे लिए और आपके लिए भी आप मुझे सिर्फ तब रीच आउट कर लो जब आपको मसला आ रहा आपसे नहीं सॉल्व हो रहा ठीक है अच्छा ये बहुत अनोइंग है मैं बार बार एक चीज पूछता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर का बच्चे ना नहीं सच बोल रहे होते हैं वो थोड़ा सा फील नहीं कर रहे होते इजी आप ऑनेस्ट ओके बता दो सबको समझ आई आज के लेक्चर की फॉर द लास्ट टाइम मैं पूछ रहा पूछा इसके बाद नहीं ओके okay. अभी भी मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं आई डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी ठीक है तो आज मैंने आपको पढ़ा दिया है ये आपकी कंडीशंस खत्म कर दी आपका लूप स्टार्ट कर दिया आपको मैंने फोर लूप समझा दिया अब मैं आपको बस थोड़ी सी समझ आगे समझ आना चाहता हूँ बाकी आपने प्रैक्टिस करनी करनी है ओके तो नेक्स्ट वीक में ना हम को खत्म करने के बाद अगले दिन लेक्चर में फंक्शन को स्टडी करेंगे आ, मुझे पता है सुनने में लग रहा है कि बहुत तेज चल रहा है लेकिन देखें आपको मैं कोई चीज स्पेसिफिकली छुड़वा नहीं रहा इनकी मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन होती ही इतनी है वो यूनिवर्सिटी के टीचर की रिक्वायरमेंट है कि उसने बत्तीस लेक्चर्स में लेके जाना है ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में मुझे किसी ने बाउंड नहीं किया हुआ कि मैंने ज्यादा लेक्चर्स में किसी चीज़ को लेके जाना है तो मैं फिर उसे जल्दी खत्म करा देता हूँ तो हम फिर अगले वीक में ना इनशाला फंक्शंस भी कर रहे होंगे और इसके साथ जी मैं लेक्चर नोट्स भी सेंड कर दूंगा आज आपकी असाइनमेंट भी आ जाएगी मेरी एक्चुअली में ना अपनी भी असाइनमेंट्स और क्विज हैं मैं अभी जरा बैठ के उनको कर लूँ तो मैं जैसे उससे फ्री होता तो मैं आप सबको भी काम भेज दूंगा जी आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं ये कोई पूछने की बात नहीं है मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ आप लोगों को जब भी कोई मसला हो मैं बार बार कह रहा हूँ आप मुझे रीच आउट करें ठीक है आज का आपका लेक्चर यही था आ, आप आगे आप लूज पढ़ेंगे ऑल द बेस्ट फॉर डैट टीचर से अपने अभी तो मैंने बता ही दिया नेक्स्ट वीक के अंदर फिर जो कॉन्टेंट होगा हम तब कवर करेंगे इनशाला मैं टाइमिंग से ऊपर देखूंगा क्या करना है आ, लेकिन अगर मुझे फ्राइडे को लेक्चर लेना पड़ा ना क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं ये टाइम स्लोट डिसाइड करना पड़ता है अदरवाइज मैं भी नहीं चाहता कि मैं नमाज से कंसाइडिंग कोई टाइम स्लोट डिसाइड करूँ तो फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा तो असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा और आपने ना कोशिश करनी है कि आप असाइनमेंट को रोजाना थोड़ा थोड़ा करें एक दिन में वो असाइनमेंट करने मत बैठिएगा इवन तो मैं क्वेश्चन बहुत छोटे देने लगा बहुत इजी लेकिन ऐसे ना करना हम आपको लिंक भेज देंगे अपनी यूट्यूब लेक्चर कम्युनिटी का मैं उनसे कह दूंगा ठीक है मैं लाइक टाइम खत्म हो गया अल्लाह हाफिज